हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ऑफ श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी। टुडे माय टॉपिक इज़ फाउंडेशन। ओके, तो फाउंडेशन के बारे में तो जनरली आप लोगों को पता ही है कि फाउंडेशन होता क्या है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ फाउंडेशन इज़ द एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर विच कनेक्ट इट टू द ग्राउंड एंड ट्रांसफ़र लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द ग्राउंड सरफेस। ओके, फाउंडेशन क्या होता है? किसी भी स्ट्रक्चर का वो एलिमेंट या वो एक पार्ट होता है जो काम करता है लोड को ट्रांसफ़र करने का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि किसी भी स्ट्रक्चर में जो लोड होता है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अब जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन से जो भी लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा या ट्रांसफ़र होगा वो अपवर्ड से नीचे होगा। तो अपवर्ड में आपका सबसे फर्स्ट जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें सबसे फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है आपका स्लैब। उससे कनेक्टेड होता है बीम, और बीम से कनेक्टेड होता है आपका कॉलम और वॉल। तो वो उसी तरीके से अपवर्ड टू डाउनवर्ड नीचे की तरफ लोड का ट्रांसफ़र होते जाता है। अब कॉलम से वो लोड कहाँ जाएगा? आपके फुटिंग में, एंड फुटिंग से फाउंडेशन, फाउंडेशन से सॉइल स्ट्राटा। तो इस तरीके से जो लोड का ट्रांसफ़र होता है या लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फाउंडेशन में चलते रहता है, और इसीलिए फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन किया जाता है ताकि लोड को हम इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सके और हमारा स्ट्रक्चर जो रहे वो स्टेबल रहे। तो ये आप फाउंडेशन देख रहे हैं। इसके बाद है फाउंडेशन का इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि किसी भी स्ट्रक्चर का दो पार्ट होता है। फर्स्ट होता है उसका सब स्ट्रक्चर पार्ट, और सेकेंड होता है सुपर स्ट्रक्चर पार्ट। तो सब स्ट्रक्चर पार्ट को हम जनरली फाउंडेशन भी कहते हैं क्योंकि यह ग्राउंड लेवल के नीचे रहता है। इसके बाद बात करते हैं सुपर स्ट्रक्चर की। सुपर स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका जो ग्राउंड लेवल होता है उसके ऊपर होता है, ठीक है, जो कि प्लिंथ लेवल के ऊपर होता है, अबो द प्लिंथ लेवल, और जो सब स्ट्रक्चर होता है वो बिलो द प्लिंथ लेवल। आप लोगों को ये भी बता देना चाहिए कि जो सब स्ट्रक्चर जो होता है उसका जो कॉस्ट होता है, इनिशियली कॉस्ट जो होता है वो पूरे स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्शन करने में जितना कॉस्ट लगता है उसका 30% कॉस्ट जो होता है वो सिर्फ सब स्ट्रक्चर या फाउंडेशन बनाने में लगता है। जितना स्ट्रॉन्ग, जितना अच्छा आपका फाउंडेशन होगा उतना ही अच्छा आपका स्ट्रक्चर होगा। आप कितना भी उसमें अगर लोड लगाते हो, अगर आपका फाउंडेशन वीक है तो वो स्ट्रक्चर उस लोड को बियर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम सबसे ज़्यादा फाउंडेशन पे ध्यान देते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, हम फाउंडेशन को क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडेशन। हमें फाउंडेशन बनाने का पर्पस भी पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि लोड के ट्रांसफ़र के लिए हम फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके अलावा और क्या क्या पर्पस होते हैं, क्योंकि किसी एक पर्पस से तो हम किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते ना। तो इसके बहुत सारे पर्पस होते हैं कि हम फाउंडेशन को क्यों बनाते हैं। जैसे कि फर्स्ट है टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल लोड कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑन द लार्जर एरिया। इसमें क्या करता है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जितने एरिया तक आपका स्ट्रक्चर बना होता है उतने एरिया में जितना लोड लगता है उस लोड को क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है हर एक पार्ट में। सेकेंड है टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए भी हम फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपका बेस ही मजबूत नहीं है तो आपका स्ट्रक्चर, आप ऊपर के स्ट्रक्चर की कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके बाद है नेक्स्ट, टू गिव इनफ स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर अगेंस्ट वेरियस डिस्टर्बिंग फोर्सेज सच एज विंड एंड रेन। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कहा कि जितने भी लोड हैं उन सब लोड्स को हमको ट्रांसफ़र करना रहता है, उसी तरीके से एक्सटर्नल कुछ प्रेशर या एक्सटर्नल कुछ फोर्स भी लगते हैं आपके स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो उन एक्सटर्नल फोर्स को, उन एक्सटर्नल प्रेशर्स को भी रेजिस्ट करने का काम आपके स्ट्रक्चर का ही होता है। अगर एक्सटर्नल कोई फोर्स बहुत ज़्यादा है और आपका स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत नहीं है, आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं है, तो वो आपके स्ट्रक्चर को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसीलिए बोला गया है कि स्टेबिलिटी, जो हमको एक इनफ स्टेबिलिटी चाहिए रहती है किसी भी स्ट्रक्चर में, तो वो हम फाउंडेशन के थ्रू हमें मिल सकती है। इससे जितने भी एक्सटर्नल फोर्स होंगे, विंड प्रेशर होगा, रेन प्रेशर होगा, इन सब से आप अपने स्ट्रक्चर को
स्टेबल रख सकते हैं। एंड लास्ट इज़ टू प्रिपेयर अ लेवल सरफेस फॉर कॉन्क्रीटिंग एंड मशीनरी वर्क। जो ग्राउंड लेवल का सरफेस होता है जब हम फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम वहाँ पे कॉन्क्रीट और मशीनरी वर्क भी करते हैं ताकि वो क्या कर सके, हमारे स्ट्रक्चर को मजबूती दे सके, है ना। अगर हम ये सब मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं, कॉन्क्रीट मशीनरी यूज़ नहीं करते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर जो रहेगा उतना स्टेबल नहीं रहेगा, उतना मजबूत नहीं रहेगा जितना हमें चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन। तो सबसे फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है सॉइल टाइप्स एंड ग्राउंड वाटर टेबल कंडीशन। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए कि आपका जो सॉइल, आप जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसकी सॉइल की प्रॉपर्टी कैसी है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं अगर सॉइल का, तो आप लोगों को पता होगा कि जितने भी सॉइल है उसमें सबसे जो बेकार या पुअर सॉइल कंडीशन बोलते हैं वो ब्लैक कॉटन सॉइल होता है। अगर आप उस टाइप के सॉइल में कंस्ट्रक्शन करते हो तो आपका स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। वाटर टेबल कंडीशन, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर वाटर टेबल कंडीशन जो है, वाटर टेबल भी आपका लो रहेगा तो उससे भी आपके फाउंडेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट एंड फाउंडेशन। हम लोगों को स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट एंड फाउंडेशन में भी बहुत कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका जो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है कि उसमें जितने भी फोर्स लग रहे हैं, जितने भी उसमें एक्सटर्नल प्रेशर्स लग रहे हैं, वो आपके फाउंडेशन को किसी भी तरीके से इफेक्ट तो नहीं पहुंचा रहे हैं। साइट सिलेक्शन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। साइट सिलेक्शन, जब हम साइट कंडीशन देखते हैं तो हमारा साइट कंडीशन में हम सबसे फर्स्ट यही चेक करते हैं कि वो इकोनॉमिकल है या नहीं, एनवायरमेंटल है या नहीं है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ों की सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है, इन सब चीज़ों पे। एंड लास्ट इज़ इकोनॉमी, ये तो मस्ट है हम लोगों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं, ये दो टाइप के होते हैं फाउंडेशन जनरली, शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, आइसोलेटेड फुटिंग एंड कंबाइंड फुटिंग। एंड सेकेंड टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन, ये जो होता है ये होता है दो टाइप का, सॉरी, पाइल फाउंडेशन एंड पियर फाउंडेशन। इसके मैंने जितने भी टाइप्स हैं उनके मैंने आपके एक फ्लो चार्ट में बना दिया है, जिसमें आपको इजी पड़ेगा इसको देखने में। फाउंडेशन देखिए यहाँ पे शैलो, डीप, शैलो के जितने भी टाइप्स हैं आइसोलेटेड, कंबाइंड, पैट फाउंडेशन, और ये जो कंबाइंड है इसके दो टाइप है, स्ट्रिप फाउंडेशन एंड ड्राफ्ट फाउंडेशन। डीप का है पाइल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन, और पाइल के फाउंडेशन के दो टाइप है, फ्रिक्शन एंड लोड बियरिंग पाइल।